बिस्मिल्लाह रहमान रहीम यूट्यूब चैनल में सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम आपको इस्लामाबाद के सेक्टर G13 में लेके हैं। हमारे घर का विजिट है 10 मरला। ये घर जो है मार्केट में सेल के लिए अवेलेबल है, कैश पे अवेलेबल है, इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल नहीं है। देखने वाले से रिक्वेस्ट है वीडियो के अंत तक लाजमी देखिएगा। इस घर की प्राइस, फ्लोर प्लान हम इस वीडियो के दौरान ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आपको घर का स्ट्रीट ओवर व्यू चेक करवा देते हैं। ये आप देख सकते हैं इसकी लेफ्ट साइड फुली कारपेट रोड, ये इसकी राइट साइड है। फ्रंट एलिवेशन आप देख सकते हैं क्लोजली, बहुत ही खूबसूरत डिजाइन किया गया है। ये इस घर का कार रैंप का एरिया है और राइट साइड पे इसका जो है अभी ग्रीन एरिया डिजाइन किया जाएगा। मेन आप इसका डोर वर्क देख सकते हैं, ब्लैक कलर में डिजाइन किया गया है। घर के अंदर लेके चलते हैं तो ये आप चेक कर सकते हैं इसका कार रैंप का एरिया। तीन बड़ी गाड़ियों की इजी पार्किंग, 2 जो है फ्रंट पे, 1 जो है वो राइट साइड पे इसके जो है ना। इधर इसका जो है सेपरेट टैंक और ये इसकी वॉल आप देख सकते हैं, खूबसूरत घास की मदद से जो है वो डिजाइन की गई है। और ये इसका ड्राइंग रूम का सेपरेट डोर है। ये हम आपको ड्राइंग रूम सबसे पहले विजिट करवा देते हैं। तो इसका ये ड्राइंग रूम का एरिया देख सकते हैं आप, इसका ऊपर सीलिंग वर्क, नीचे इसका टाइल वर्क, राइट साइड पे इसके जो है ये वेंटिलेशन और इधर इसका जो है बाथ। इंग्लिश सीट लगाई गई है फुली, ऊपर तक जो है वो टाइल वर्क आप चेक कर सकते हैं इसका, काफ़ी खूबसूरत हुआ है। और ये इसके जो है वो कबर्ड्स। घर की मेन हम आपको एंट्रेंस से दाखिल करते हैं तो ये आप चेक कर सकते हैं इसका जो है ये ग्राउंड पोर्शन के सेपरेट। हम आपको इसके घर की मेन जो है वो ग्राउंड पोर्शन है उधर से दाखिल करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इसका ये गैराज के एरिया में लेके आए हैं और ये इसका ऊपर वाले पोर्शन और ग्राउंड पोर्शन की मेन इसकी एंट्रेंस है। इधर भी वेंटिलेशन को मद्देनजर रखते हुए फुली हाइटेड जो है वो विंडो इंस्टॉल की गई है। और ये आप देख सकते हैं इसका वुड का काम हुआ हुआ है। गैराज के ऊपर भी आप चेक कर सकते हैं इसका सीलिंग वर्क। जी व्यूअर्स, ये आप मेन इसका इंटरेस्ट डोर वर्क देख सकते हैं इसका ये, और स्टेप भी जो है ये ग्रीनाइट। इंटर होते ही लेफ्ट साइड पर जो है ऊपर वाले पोर्शन की सेपरेट जो है इसकी स्टेयर्स हैं और ये इसका टीवी लाउंज का एरिया आता है। ये राइट साइड पर जो है ड्राइंग रूम का है, ड्राइंग रूम हमने आपको ऑलरेडी जो है वो विजिट करवा दिया हुआ है। ये इसकी लॉन्ड्री का एरिया है, इधर जो अभी सामान वगैरह पड़ा हुआ है ये अभी सफाई होगी, ये इसका लॉन्ड्री का एरिया है। ये इसका टीवी लाउंज, टीवी लाउंज पे सबसे पहले नीचे इसका टाइल वर्क देख सकते हैं, ऊपर खूबसूरत सीलिंग वर्क फानोस के साथ। और इधर इसका छोटा सा रैक भी बनाया गया है स्टोरेज के लिए। और ये इसका किचन का एरिया है, किचन का आप इंटरेस्ट पे चेक कर सकते हैं। नीचे स्टेप पे जो है ये आगे जो है किचन में जो है खूबसूरत टाइल वर्क वुड कलर में और लेफ्ट साइड पे वाली जो वॉल जो है वो खूबसूरत डिजाइन की गई है। ये किचन का डोर, इधर जो अभी ग्लास जो है वो इंस्टॉल किया जाएगा अभी। और ये इसके किचन के कबर्ड्स, किचन के कुछ काम जो है वो अभी पेंडिंग में है। और ये कबर्ड्स वगैरह आप देख सकते हैं, वेंटिलेशन किचन की काफ़ी अच्छी की गई है। बर्नर अभी इंस्टॉल किया जाएगा, ये इसका हुड, ये इसके कबर्ड वगैरह। जी व्यूअर्स, फर्दर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ तो ये हम आपको इसके जो है बेडरूम विजिट करवाएंगे। सबसे पहले राइट साइड पे इसका मास्टर बेडरूम विजिट करवाते हैं। ये बेडरूम की इंटरेस्ट डोर वर्क और ऊपर इसका सीलिंग डिजाइन। ये इसका मास्टर बेडरूम का साइज आप चेक कर सकते हैं, नीचे टाइल वर्क और वेंटिलेशन। और लेफ्ट साइड पे इसका जो है LCD का भी पॉइंट दिया गया है। ये इसके कबर्ड्स, कबर्ड्स के साथ ही बिल्कुल अटैच बाथ। इस बाथ में जो है वो दोनों ऑप्शन दी गई है, इंडियन भी और इंग्लिश भी। इधर इसका बिल्कुल सामने जो इसका सेकंड बेडरूम और ये बेडरूम का आप साइज चेक कर सकते हैं, ऊपर सीलिंग वर्क, नीचे टाइल वर्क और इधर इसके जो है कबर्ड्स, कबर्ड के साथ ही बिल्कुल इधर अटैच बाथ। इसका बेडरूम का डोर वर्क देख सकते हैं और ये बिल्कुल सामने जो इसके जो ये बैक गैलरी का डोर है, बैक गैलरी भी आप चेक कर सकते हैं इसका, नीचे टाइल वर्क, लॉन्ड्री की जगह भी दी गई है। इधर ग्राउंड पोर्शन में इसके जो है 2 बेडरूम, किचन, टीवी लाउंज और ड्राइंग रूम डिजाइन किया गया है।
और ऊपर वाले पोर्शन में हम आपको लेके चलते हैं, तो ये आप चेक कर सकते हैं इसका स्टेट्स का डिज़ाइन। ऊपर वाले पोर्शन में लेके आज जा रहे हैं, तो ये आप इसका ग्रेनाइट देख सकते हैं। सबसे पहले हम आपको राइट साइड के इसका जो है विजिट स्टार्ट करते हैं, इसके टेरेस के कवर करके। ये इसका बेडरूम, इसे आप स्टडी रूम भी बना सकते हैं। इसका साइज, नीचे टाइल वर्क और विंडोज, इधर से कबर्ड्स, कबर्ड्स के साथ बिल्कुल अटैच बाथ। और ये इसका ऊपर वाले पोर्शन का ड्राइंग रूम, इसका आप सीलिंग वर्क देख सकते हैं। इधर कबर्ड्स वगैरह, नीचे टाइल वर्क, इधर वेंटिलेशन क्योंकि टेरेस को भी इंटरेस्ट है। इसके साथ ही बिल्कुल अटैच बाथ। और ये इसका टीवी लाउंज का एरिया, टीवी लाउंज का सबसे पहले ऊपर आप सीलिंग पर देखें इसके खूबसूरत फानूस के साथ डिजाइन किया गया है। ये इसके एलसीडी के पॉइंट, ये ओपन टू स्काई जो है वो वेंटिलेशन। अभी जिधर जो है ग्लास जो है वो मिरर जो है वो अभी इंस्टॉल किया जाएगा। फर्दर इसका जो ये किचन ऊपर वाले पोर्शन का, नीचे टाइल वर्क, ऊपर सीलिंग डिज़ाइन इसका चेक कर सकते हैं। इधर इसकी वेंटिलेशन और कवर्ड वगैरह। हाफ जो है इसकी भी वॉल जो है वो टाइल की मदद से जो डिज़ाइन की गई है, जिसके टीवी लाउंज के कबर्ड्स। और इधर इसके राइट और लेफ्ट जो है बेडरूम, सबसे पहले हम आपको राइट साइड पे इसका फर्स्ट बेडरूम विजिट करवा देते हैं, सॉरी सेकंड बेडरूम। ऊपर सीलिंग वर्क, नीचे इसका टाइल वर्क देख सकते हैं। और ये इसकी वॉल जो है काफ़ी जो है वो स्पेनिश डिज़ाइन में जो है वो डिज़ाइन की गई है। LCD का पॉइंट इधर भी। और ये इसके कबर्ड्स, कबर्ड्स के साथ ही बिल्कुल अटैच बाथ। ऑप्शन जो है वो दोनों दी गई हैं, इंग्लिश और इंडियन की भी। सेकंड बेडरूम इसके बिल्कुल सामने, ऊपर इसका सीलिंग वर्क, ये आप नीचे टाइल वर्क दे सकते हैं। इधर इसके कबर्ड्स, कबर्ड्स के साथ बिल्कुल अटैच बाथ। जी व्यूवर्स, ऊपर वाले पोर्शन में भी टू मास्टर बेडरूम, किचन, ड्राइंग रूम और टीवी लाउंज डिज़ाइन किया गया है। सॉरी, ऊपर वाले पोर्शन में थ्री बेडरूम है। और ये आप स्टेट्स का डिज़ाइन चेक कर सकते हैं नीचे वाले पोर्शन से ऊपर वाले पोर्शन की। ऊपर हम आपको लेके चलते हैं इसके रफ टॉप में। इधर इसका सर्वेंट रूम, इसे आप स्टोर रूम भी बना सकते हैं, बेडरूम भी बना सकते हैं क्योंकि काफ़ी जो है वो बड़े साइज में ये दिया गया है। ऊपर इसका सीलिंग वर्क, नीचे इसका टाइल डिज़ाइन, हाइटेड विंडो। और इधर इसके कबर्ड्स, कबर्ड्स के साथ ही बिल्कुल अटैच बाथ। और ये छत की इंटरेस्ट है, इधर छत पे भी आप चेक कर सकते हैं। इधर चिप्स का इस्तेमाल किया गया और सेपरेट टैंक का आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी बड़ा बनाया गया है। और टू हिस्सों में जो है वो डिवाइड किया गया है छत को। इधर लॉन्ड्री का एरिया दिया गया है और ये इसका सेकंड एरिया है, ये ओपन टू स्काई। ये इसके छत का जो है सेकेंड एरिया है। इस घर की डिमांड जो करें 5,80,00,000 डिमांड करें। मजीद मालूमात के लिए आप दिए गए डिस्क्रिप्शन नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। देखने वाले से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।